स्टार्ट करते हैं कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस पार्ट 5 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 11th बायोलॉजी से. लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट. देखिए हमें पता है कि कुछ इस तरह का एक प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी मिलती है प्लांट को, ठीक है. एटीपी सिंथेसाइज होता है. हमने ऊपर ऊपर से ये भी पढ़ लिया कि फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है. द कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. अब ये जो आपका हाइपोथीसिस है कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथीसिस, इसको हमने आगे रखा है समझने के लिए कि एक्चुअली क्या होता है जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसाइज होता है. देखिए मैं हमेशा से आपको एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी के अलावा मैं कुछ नहीं कराती हूँ, बट इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा हैंडमेड नोट्स भी बनाए हैं ताकि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली होता क्या है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप समझ तो जाते हैं ऊपर से लेकिन वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगी. लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. उन्होंने क्या बोला, रेस्पिरेशन की तरह फोटोसिंथेसिस में भी जो एटीपी सिंथेसिस होता है ना उसको हम प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक करते हैं. देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन, ये सब मूवमेंट होती है, कितना कहाँ पर ज़्यादा है कितना कम है, ये सब चीज़ें होने की वजह से ना कहीं पर भी कोई मूवमेंट होती है. तो अभी हमें पढ़ना है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या चेंज हो रहे हैं. दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थायलाकॉइड. इस टाइम क्या है, ये थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स हैं. देर इज़ वन डिफरेंस दो, देयर आर प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है वो मेम्ब्रेन के अंदर की साइड है, ल्यूमेन के अंदर, ठीक है. मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपका प्रोटॉन मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो उसमें जो बीच का स्पेस है ल्यूमेन, वहाँ पे प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है. इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू एटीएस. अब जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया की, जहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से या किसी भी और तरह से मूव करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. किस वजह से ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये बनता है, और अगर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो क्यों एटीपी कैसे बनता है, मतलब एक्चुअल प्रोसेस क्या है. वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप. हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहा है. देखिए since splitting of water molecule take place on the inner side of the membrane, the protons of hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. फर्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना है. उसने क्या बोला कि क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, ठीक है, वो ब्रेक होते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन के इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, ठीक है. वहाँ पे प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. वहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन. जब ये वाटर स्प्लिट हुआ तो उसकी वजह से आपका प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन बना, जो कहाँ पे बन रहा है, अंदर ल्यूमेन ऑफ द थायलाकॉइड. थायलाकॉइड की जो ल्यूमेन है, अंदर वाला पार्ट है, वहाँ पे ये आपका स्प्लिट होके चीज़ें बन रही हैं, प्रोटॉन और ये सब, ठीक है. और अभी जो नेक्स्ट डायग्राम आप देखोगे, हो सकता है आपकी बुक में डिफरेंट हो, क्योंकि जो मेरी बुक है ये बिल्कुल नए वाली है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं 11th क्लास में वो भी दिखा रखे हैं. तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली क्या होता है. देखिए यहाँ पे दिखा रखा है फोटोसिस्टम 2, यहाँ पे दिखा रखा है PS1 दैट इज़ फोटोसिस्टम 1, यहाँ पे साइटोक्रोम है, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टोक्विनिन और प्लास्टोसियानिन है, ठीक है. यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे आपका NADP से NADPH बन जाता है एक H+ लेके, और ये जो पार्ट है ल्यूमेन है, यहीं पे आपका वाटर स्प्लिटिंग की वजह से, आपका H2O की वजह से क्या क्या बन रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर. अब उसने क्या बोला, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स प्रोटोन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इससे मूव करते हैं, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव थ्रू योर व्हाट, आपके फोटो सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो प्रोटोन ट्रांसपोर्ट होता है इस मेम्ब्रेन से उधर की, उधर से इधर की तरफ, ठीक है. दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन एच कैरियर. अब ये क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे बैठा हुआ है, सिचुएटेड है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को
इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने क्या बोला कि आपको इसको समझाने के लिए मैं सेम टू सेम मैंने हैंडमेड डायग्राम बनाया, मैं उसकी हेल्प लूँगी और आपको और अच्छे से समझाऊँगी कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो प्लास्टोक्यूनिन से कहाँ पे पास होते हैं, प्लास्टोसियानिन में। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको आराम से वहाँ पे दिखेगा कि प्लास्टोसियानिन के बीच में है, सॉरी प्लास्टोक्यूनिन यहाँ पर है और प्लास्टोसियानिन यहाँ पे है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लास्टोक्यूनिन से कहाँ मूव करते हैं, दे मूव टूवर्ड प्लास्टोसियानिन। ये प्रोसेस क्लियर है। उसकी वजह से क्या होता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी ना रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H+ फ्रॉम स्ट्रोमा, यानी बाहर के पार्ट से, क्योंकि ये स्ट्रोमा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो बाहर से जो आपका H+ है, मतलब 2H+ बाहर से कहाँ मूव हो जाते हैं, इनर साइड पे मूव हो जाते हैं। एनर्जी विच इज़ रिलीज फ्रॉम पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज बाय साइटोक्रोम टू एक्सेप्ट H+, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पास होने से जो एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के पास होने से एनर्जी रिलीज हुई थी वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है, वो साइटोक्रोम एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि वो क्या करे, ताकि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हुए, इसे साइटोक्रोम किसकी तरह बिहेव करने लग गया, वो बिहेव करने लग गया एक्सेप्टर की तरह, हाइड्रोजन मतलब आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह वो बिहेव करने लग गया कि अब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो साइटोक्रोम इज बिहेविंग लाइक अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाएगा और मतलब जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कराएगा और क्या करेगा, और जो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पास हुए, एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से साइटोक्रोम का फंक्शन यहाँ पे बदल गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो भी है हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया इधर, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे। जो वाटर होता है ना, वाटर वो स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, आपका ये क्या है, आपके प्रोटॉन में, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो बनती है वो बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, फोटोसिस्टम में, ताकि आगे की चेन बढ़े। और ये जो आपका है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं अब अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से मेन प्रोसेस क्या हुआ है, आपका वाटर का ब्रेकेज हुआ है, ताकि आपका क्या हो, आपका जो तीन तीन चीज़ें हमें चाहिए वो सब हमें मिल जाएँ। हमें पता चल गया कि बाहर से कुछ H+ आए, ताकि वो क्या कर सकें, जब इलेक्ट्रॉन पास हुआ कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ H+ आए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, कुछ आपके H+ कहाँ से आए थे, ये वाटर को स्प्लिट होने से। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ल्यूमेन में, ये पोर्शन क्या है, ल्यूमेन, ल्यूमेन में तो आपका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है आपका उसका प्रोटॉन्स का, और बाहर क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, क्या कम हो रहा है, आपका जो प्रोटॉन्स हैं वो कम हो रहे हैं, H+ आपका कम हो रहा है और यहाँ ज़्यादा हो रहा है। इसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरह मूव करती है, ठीक है। तो ये जो अंदर इकट्ठे हो गए हैं, अब ये बाहर किसके थ्रू निकलेंगे, दे कैन ओनली पास थ्रू F0 and F1, वो किसके थ्रू पास हो सकते हैं, F0 और F1 से। तो वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे, और जब ये यहाँ से पास ऑन होंगे तो क्या होगा, यहाँ से पास होके दे विल फॉर्म आपका जो होता है ATP, एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप बुक में देखें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि क्या दिखा रखा है, कि जब वो इससे पास हो रहे हैं H+, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ADP प्लस आपका प्रोटॉन यहाँ यूज़ हो रहा है, आपका और चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और क्या हो रहा है, आपका ATP फॉर्म हो रहा है। और यहीं पर क्या होता है, और भी चीज़ें एक दो होती है, ये जो H+ आपके निकले हैं, ठीक है, यहाँ से जो निकला है ये निकल के यहाँ भी पहुंच जाएगा। देखिए कहाँ, ध्यान से देखिए, वो यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा NADP के पास। जब वो NADP के पास यहाँ से बाहर निकल के वो यहाँ पहुंच गया, तो वो क्या फॉर्म करता है, NADPH। तो इट्स वेरी सिंपल, आपका ये पता चल रहा है कि कैसे आपका जो ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने से पूरा का पूरा आपका ATP फॉर्म हो रहा है, या NADP किस तरह से फॉर्म हो रहा है, वो आपको बहुत क्लियरली समझा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ये NAP रिडक्टेज एंजाइम है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज़ लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1। प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+ टू NADPH। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि यहाँ भी प्रोटॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो NADP से क्या बना सके, ताकि वो NADP से NADPH बना सके, तो उसके लिए आपको प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो वो ये चीज़ कह रहा है कि अब ये प्रोटॉन कहाँ से आएगा, जो अंदर इकट्ठा हो गया था ल्यूमेन में, वो फिर इसने पंप कर दिया, ठीक है, और वो यहाँ से इधर आ गया,
ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस था और ये हमें बहुत ध्यान से इन्होंने समझाया है. इसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है नया वाला, ये और अच्छे से क्लियर है. अगर आपकी बुक में पुराना डायग्राम है तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए और इसको कोशिश कीजिए कि आपको नई बुक मिले. अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो ये पंप है, ठीक है, ये पंप क्या करता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही है जिसकी वजह से फाइनली एटीपी रिलीज़ होता है. ठीक है, हमारा प्रोटॉन अगर अंदर जा रहे हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट इस ग्रेडियंट की वजह से ही फाइनली यहाँ से एटीपी का सिंथेसिस होगा. नाउ द ग्रेडियंट इज़ ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द सी एफ ऑफ ए टी पी सिंथेस. यहाँ से आपके प्रोटोन जब इधर उधर मूव करते हैं तब ये जो ए डी पी है ये कन्वर्ट हो जाता है ए टी पी में. द ए टी पी सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. अब जो ये ए टी पी सिंथेस एंजाइम होता है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं. एक को हम बोलते हैं सी एफ इज एम्बेडेड इन द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. देखिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि जब कोई एक चीज़ दूसरी तरफ ले जाने में हेल्प करे तो वहाँ पर उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन. तो वो यही कह रहा है कि जो ये ए टी पी सिंथेस एंजाइम है इसमें दो पार्ट हैं जिसको सी एफ जीरो भी बोला गया है और ये क्या करता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हेल्प करता है. जो इसका जैसे एक हमने पढ़ा कि इसके अंदर दो पार्ट है, एक सी एफ जीरो हो गया और दूसरा पोर्शन है सी एफ वन एंड प्रोट्रूड्यूस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसिस द स्ट्रोमा. ये दूसरी साइड पे है जहां पे स्ट्रोमा है वहां पे ये निकला हुआ है. द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द सी एफ वन पार्टिकल ऑफ द एटीपी. द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द सी एफ वन पार्टिकल. जब आपका ग्रेडियंट चेंज होता है तो उसकी वजह से इतनी एनर्जी इनफ एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि फाइनली क्या होगा सी एफ वन पार्टिकल में चेंज होता है और ए टी पी सिंथेस में चेंज होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपके ए टी पी निकलते हैं विच मेक द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ए टी पी. केमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन अ प्रोटॉन पंप अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड ए टी पी सिंथेस. ठीक है, हमारा जो केमियो ऑस्मोसिस है उसमें क्या चाहिए होता है, एक मेम्ब्रेन चाहिए होता है. उसके लिए एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, एक प्रोटॉन पंप की ज़रूरत है, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है और ए टी पी सिंथेस की ज़रूरत है. एनर्जी यूज़ होती है ताकि क्या हो, पंप हो सकें प्रोटॉन एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की साइड में. यानी आपकी एनर्जी किस लिए चाहिए, ताकि जो ये प्रोटॉन है ना ये एक जगह से दूसरी जगह हम पंप कर सकें. टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलाकॉइड ल्यूमन. अभी किस लिए चाहिए, ताकि क्या हो आपका हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और आपका क्या हो विद इन थैलाकॉइड ल्यूमन क्रिएट हो. देखिए सारा खेल प्रोटॉन कंसेंट्रेशन का है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का. जितना ज़्यादा प्रोटॉन एक जगह इकट्ठे होते हैं वो उतना ही ज़्यादा रिलीज करते हैं दूसरी तरफ और जिसकी वजह से क्या होता है फाइनली आपका फॉर्म होता है. एटीपी सिंथेस हैज़ अ चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन. This releases enough energy to activate ATP synthesis enzyme that catalyzes the formation of ATP. इसमें क्या लिखा है कि ATP synthesis के पास एक ऐसा चैनल है जिसकी वजह से क्या होता है प्रोटॉन वापस चला जाता है मेम्ब्रेन में. और ये जब ऐसा होता है ना कि प्रोटॉन वापस मेम्ब्रेन के अंदर जाता है तो उसकी वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि आपका ATP synthesis enzyme एक्टिवेट हो सके और फाइनली ATP formation हो सके. Along with the NADPH produced by movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. अब उसने क्या बोला कि जो NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो ATP है वो भी इमीडिएटली यूज़ होगा बायोसिंथेटिक रिएक्शन में जो स्ट्रोमा में हो रहा है और जिसकी वजह से क्या होगा CO2 फिक्स होगा और फाइनली आपकी शुगर रिलीज होगी, सिंथेसिस ऑफ शुगर होगा. Now it is asking where are the ATP and NADPH used. ठीक है, हम मानते हैं कि ATP और NADPH प्रोड्यूस हो गए. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए. और अगर आपको इस वीडियो के और पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या मेरे चैनल पे 11th और 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.